हेलो प्यारे बच्चों, लर्न एंड शाइन विद अनुपम चल में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द सन एंड द विंड का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है वर्ड मीनिंग्स के बारे में, जिसमें आपको नए वर्ड्स याद करने हैं। वैसे तो लेसन में कई सारे वर्ड्स आए हैं और जो भी आपको याद नहीं है उनको आप अच्छे से याद करते चले, ताकि आपकी वोकैबुलरी अच्छी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं लेसन में कौन कौन से न्यू वर्ड्स याद करने के लिए दिए गए हैं। फर्स्ट वर्ड है HILLTOP, हिल टॉप। हिल टॉप मीन्स पहाड़ी की चोटी। हिल टॉप का मतलब होता है हिल का सबसे टॉप पार्ट, उसके ऊपर और कुछ भी नहीं, उसे कहते हैं हिल टॉप, पहाड़ी की चोटी। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना, पहाड़ी लिखा हुआ है, पहाड़ नहीं। पहाड़ कहते हैं माउंटेन को, जो कि पहाड़ी से काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में। सेकंड है BLOWING, ब्लोइंग। ब्लोइंग मीन्स बह रही है। हवा जब धीरे धीरे बहती है, बहुत तेज गति से नहीं बहती है, धीरे धीरे मंद मंद बहती है, तब उसको कहते हैं ब्लोइंग, यानी धीरे धीरे बहना। हवा जब धीरे धीरे बहती है तो इस कंडीशन को ब्रीज भी कहते हैं, यानी कि समीर, मंद मंद बहने वाली हवा। उससे तेज जब हवा चलती है, यानी कि जब हवा में स्पीड आ जाती है, तब हम उसको स्टॉर्म कहते हैं, यानी कि आंधी। इस कहानी में भी विंड ने अपनी शर्त जीतने के लिए स्टॉर्म जितनी पावर यूज़ की थी। नेक्स्ट वर्ड है BET, बैट। बैट मीन्स शर्त। नेक्स्ट TAKE, टेक। OFF, ऑफ। टेक ऑफ, टेक ऑफ मीन्स उतार देना। जैसे स्टोरी में भी मैन का कोट टेक ऑफ करवाने के लिए उन दोनों में शर्त लगी थी। नेक्स्ट वर्ड है MIGHT, माइट। माइट मीन्स प्रचुर शक्ति, फुल पावर। लास्ट और बहुत ही अच्छा सा वर्ड है PERSUASION, पर्सुएशन। पर्सुएशन मीन्स होता है समझाना बुझाना, जो कि बहुत ही यूज़फुल वर्ड है और इसे हमें अपने बिहेवियर में लाना चाहिए। तो ये था हमारा वर्ड मीनिंग सेक्शन। इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसके लिए आप इनको नोट डाउन करिए, रिवाइज़ करिए, अपनी बातचीत में इनको बार बार यूज़ करिए, ताकि ये नेचुरली स्पीकिंग में आने लगें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।